क्या मैरिज बना हमारा? इट एनहेंसेस द कैपेसिटी ऑफ द कंपनी टू एब्सॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, राइट? ओके, लास्ट, इट मे लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी. जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, अभी आपने शेयर्स के बारे में करा नहीं है इसलिए शायद समझ नहीं आया. अभी नेक्स्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस वही है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ. कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो मार्केट में ट्रेड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में उनकी ट्रेडिंग चलती है, ठीक है? तो उनका प्राइस जो है, अगर कंपनी, जिस कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा है, तो शेयर होल्डर्स के माइंड में ये इंप्रेशन जाता है कि उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजिशन अच्छी है, तो उस कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो डिपेंड करते हैं डिमांड और सप्लाई के ऊपर. तो शेयर होल्डर्स कौन सी कंपनी के डिमांड शेयर्स डिमांड करेंगे? जिनकी उनको लगता है फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है, तो उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी. डिमांड ज्यादा बढ़ेगी तो उनके प्राइसेस भी बढ़ेंगे. क्लियर? सो दीज वर द मेरिट्स ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स. नाउ कमिंग टू द लिमिटेशंस. एनी वन ऑफ यू कैन थिंक ऑफ एनी लिमिटेशन? डीमेरिट क्या हो सकता है? आप अपने फंड्स जो आपने इतने सालों से जमा किए हुए हैं उनको यूज कर रहे हो, उनको यूज करने का कोई एक नुकसान हो सकता है आपको, और यू आर रिलाइंग ऑन यू नो रिटेन्ड अर्निंग्स. आपने अपना और कोई जुगाड़ नहीं करके रखा, आपने कहा रिटेन्ड अर्निंग्स पे देख लेंगे. ओके, यस, अनसर्टन सोर्स ऑफ फाइनेंस है ये. As she said, अगर कंपनी लॉसेस में चल गई तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स कहां से आएंगी? नहीं आ सकती ना. सो इसका मतलब इट इज एन अनसर्टन सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्योंकि बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं वो हमेशा फ्लक्चुएट होते हैं. अनसर्टेनिटी इज एन एलिमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस. कभी देखा है बिजनेस सर्टन है? कभी आप कह सकते हो मैंने तो पक्का 1,00,000 रुपया महीने का कमाना ही कमाना है बिजनेस में से? नहीं कह सकते, ठीक है? सो इट्स एन अनसर्टन सोर्स ऑफ फाइनेंस एज द बिजनेस प्रॉफिट्स आर फ्लक्चुएटिंग, ठीक है? दूसरी बात बेटे, जब हम रिटेन्ड अर्निंग्स करते हैं तो ऑब्वियसली हम डिविडेंड कम देते हैं. डिविडेंड कम दे रहे हैं ना. व्हाट इज डिविडेंड? इट्स दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट शेयर होल्डर्स. तो बेटे आप कंसिडर योर सेल्फ एज शेयर होल्डर्स. आप सब ए कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, ठीक है? ये कंपनी ने क्या किया, 1,00,000,000 रुपए रिटेन्ड अर्निंग्स रख ली. जब 1,00,000,000 रुपए रिटेन्ड अर्निंग रख ली तो आपको डिविडेंड कम मिलेगा, आपके लिए प्रॉफिट्स कम बचे ना बेटे, तो आपको कम मिलेगा. हाउ विल यू फील? यू हैव इन्वेस्टेड योर लाइफ टाइम सेविंग्स इन द इक्विटी. आपने अपने 10,00,000 रुपए इक्विटी में इन्वेस्ट किए हैं. आपने सोचा कि मेरे को हर महीने इसका 10,000 प्रॉफिट आ जाएगा या हर साल बाद इतना प्रॉफिट आ जाएगा, मैं उसमें से अपना काम चलाता रहूंगा, घर चलाता रहूंगा. और कंपनी ने पॉलिसी चेंज कर दी, कंपनी ने रिटेन्ड अर्निंग ज्यादा रख दिए और आपको पैसा कम दिया. हाउ वुड यू फील? वुड यू फील गुड अबाउट इट? वुड यू बी सेटिस्फाइड? यू विल बी डिससेटिस्फाइड? यस और नो? सो रिटेन्ड अर्निंग्स कॉजेस dissatisfaction amongst shareholders, ठीक है? Third demerit, पूरा be attentive बेटे, पूरी क्लास में एक आप स्टूडेंट हो जो नहीं सुन रहे हो. Have you heard? All right, tell me two demerits of retained earnings. Stand up. See, sit down. All right, third demerit, बेटे,
because you have not procured funds from outside, because you're not paying any interest on these funds. Consider the situation, आपको 1 करोड़ रुपए retained earnings use करें. दूसरी situation, आपने 1 करोड़ रुपए bank से लिए, ठीक है. आप में दोनों एक इस सिचुएशन में या इस सिचुएशन में इन फंड्स को यूज करने का कोई तरीका आपका गलत होगा, कुछ अलग होगा, क्योंकि इसके ऊपर आप कोई इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे. आप इसको यूज करोगे, अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर रिटर्न आपको 2% भी आ रही है तो भी आप करोगे, कोई बात नहीं, चलो. लेकिन यहां पर जब आपने 1 करोड़ बाहर से लिए, आप इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आप कम से कम 8% रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे. यस, यू वुड रियलाइज द ऑपर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग दीज फंड्स और नॉट व्हेन यू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड. यू नो व्हाट इज द ऑपर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब, ये फंड्स अगर यहां ना यूज करे होते, कहीं और यूज किए होते, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलता, ठीक है. तो इसका मतलब आप इसको सोच समझ के खर्चोगे, लेकिन इसको आप सोच समझ के खर्चोगे क्यों? क्योंकि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप रियलाइज नहीं करोगे. सो इट मे लीड टू सब ऑप्टिमल यूज ऑफ दीज फंड्स. इससे क्या होगा, ये फंड्स ऑप्टिमली, ऑप्टिमल का समझते हो मतलब मोस्ट एफिशिएंट यूज. ऑप्टिमल मींस मोस्ट एफिशिएंट यूज. लेकिन क्या यहां पर ये ऑप्टिमली यूज होंगे? देयर विल बी सब ऑप्टिमल यूज ऑफ दीज फंड्स. इज इट क्लियर? सो लेट मी रिपीट इन अ जिफी. व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स? यू डू नॉट हैव टू पे एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट. It's a permanent source of finance. You do not have to pay it back. There is an operational flexibility. There is operational freedom in the use of these funds. ठीक है? Permanent बेटे, 1 करोड़ रुपए आपके पास पड़े थे, आपको business expand करना है, आपने 1 करोड़ रुपए use कर लिए, ठीक है. आपने land ले ली, building ले ली, machinery ले ली, कुछ भी ले लिया. दूसरी situation, 1 करोड़ रुपए आपने बैंक से ले लिए, बैंक को 5 साल 10 साल 20 साल में वापस तो करना है ना, लेकिन इसमें आपको किसी को वापस करने की जरूरत नहीं है. दिस बिकम्स योर ओन कैपिटल. हाँ हाँ बिल्कुल है बेटे, मेरिट और डीमेरिट तो चलने ही चलने बेटे. तो डीमेरिट तो है ही, वो अनसर्टन है कि कम, पता नहीं. डीमेरिट ऐसे है कि मैं आपको बता दूं बेटे, बस बिजनेस ऐसे ही करना है, रिटेन्ड अर्निंग्स ही यूज करनी है और कोई फंड्स है ही नहीं. अगर आप इस मोटो से बिजनेस रन करने चले हो कि हम तो रिटेन्ड अर्निंग्स करेंगे, ना तो हमने बैंक से पैसा लेना है, ना हमने शेयर से पैसे रेज करने हैं, तो आप सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड करोगे, रिलाय करोगे, तो वो उसका डीमेरिट है. इट्स एन अनसर्टन सोर्स ऑफ फाइनेंस. आपका प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉकडाउन हो गया, प्रॉफिट कम हो गए, तो आप कैसे रिटेन अर्निंग्स के ऊपर करोगे, ठीक है. ये हो गए थे मेरिट्स इसके. फिर इसका शेयर का मार्केट प्राइस भी बढ़ जाता है जिन कंपनीज की रिटेन अर्निंग्स होती हैं. लेकिन साथ ही साथ डीमेरिट ये, इट कॉजेज डिससेटिस्फेक्शन अमंगस्ट द शेयर होल्डर्स. देन इट इज एन अनसर्टन सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड देयर माइट बी सब ऑप्टिमल यूज ऑफ दीज फंड्स, ठीक है. सो दिस वॉज अबाउट फर्स्ट owner's funds. Now we are moving on to second owner source of owner's funds, which is issue of shares. आपको अपनी book के pages आगे करने पड़ेंगे, क्योंकि book में इस तरह से categorize नहीं है owners और borrowed. So I am going by this only. We have started with the owner's funds. First of owner's funds being retained earnings. Now second
source of owner's funds is shares. Company can issue shares. ठीक है, अब शेयर्स जब हम इशू करते हैं बेटे, जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं, उनसे हमारे पास पैसे आ जाते हैं, उसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल. व्हाट इज शेयर? एनीवन, व्हाट इज अ शेयर? कैपिटल तो पता है ना आपको, कैपिटल सबको पता है, वो अमाउंट जो कि हम बिजनेस में डालते हैं, बिजनेस को ओनर की कैपिटल जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट की जाती है. ठीक है, व्हाट इज अ शेयर कैपिटल? मैं सोल प्रोप्राइटर हूं, मैंने 10 लाख रुपए लगा के एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये मेरी बैलेंस शीट में क्या आएगा? ओनर्स कैपिटल रुपीज 10 लाख. आप दो पार्टनर्स हो, आपने 10-10 लाख रुपए लेके देके एक बिजनेस स्टार्ट किया, ये आपकी बैलेंस शीट में क्या आएगा? एज कैपिटल 10 लाख, बीज कैपिटल 10 लाख, टोटल कैपिटल कितनी होगी? 20 लाख. नाउ ऑल ऑफ यू आर रनिंग अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऑल ऑफ यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल. अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 200 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अनलिमिटेड हो सकते हैं, तो क्या बैलेंस शीट पे पॉसिबल है हर एक का नाम लिखना कि ए ने 10,000 कंट्रीब्यूट किए, बी ने 20,000 कंट्रीब्यूट किए? नहीं ना पॉसिबल. तो हम क्या करते हैं, हम कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं. द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल इज नोन एज शेयर. ठीक है, रेस्ट वी विल डू टुमारो. That's all for today.